नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। सलमान बट पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट को कलंकित किया और अपने देश को शर्मसार किया और पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ा, उनके भरोसे को तोड़ा। अब फिर से क्रिकेट में वापसी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैच रेफरी बनकर मैदान पर लौटने की तैयारी में है। मैच रेफरी बनेंगे और किसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहते हैं। इसके लिए सलमान बट ने कोर्स भी करना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद से कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर मैच रेफरी उनकी एंट्री हो। गौर हो, साल 2010 में सलमान बट का नाम स्पॉट फिक्सिंग मामले में आया था, जिसके लिए सजा के तौर पर उन्हें 5 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। अब सलमान बट बैन क्या हुए, इसके साथ उन्हें अपने करियर की भी बलि देनी पड़ी। बैन हटने के बाद जब वापसी की तो क्रिकेट में पांव फिर से जमा नहीं सके, लिहाजा उन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी और आजकल तो यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों की बड़ाई करते हुए पाए जाते हैं, ताकि चैनल के सब्सक्राइबर इंडिया से ज़्यादा बढ़े। इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी, अंपायर और दूसरे मैच अधिकारी के लिए लेवल 1 का जो कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें सलमान बट ने भी शिरकत किया है। इस कोर्स को पूरा होने के बाद पाक ओपनर रहे सलमान बट मैच रेफरी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस कोर्स में उन्हें क्रिकेट के नियमों, अंपायरिंग से जुड़े नियम और कायदों के बारे में बताया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद उम्मीदवार को एक लिखित परीक्षा, फिटनेस टेस्ट और फिर इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा। बहरहाल अभी वक्त है, पर जल्द ही सलमान बट इस रोल में दिखेंगे, सब कुछ अच्छा रहा तो। बताते चले कि इस बल्लेबाज ने टेस्ट में 1889 रन बनाए, जबकि 78 वनडे मैचों में 2725 रन ठोके। इस दौरान 8 शतक और 14 वनडे अर्धशतक भी उन्होंने लगाए। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।